Home Minister Amit Shah taking stock of the situation. Gopi is also in fact with us, getting us more details on what really is the itinerary of the Union Home Minister. Gopi, aap Bhuj mein hai. Home Minister ke is visit ke baare mein hame bataiye. Itinerary mein kya hai? Kya plan rahega? बिल्कुल, देखिए फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो मांडवी में पहुंचे हुए हैं। मांडवी में जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उन लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात की, साथ ही अस्पताल के अंदर भी पहुंचे जहां चक्रवात के बीच में, क्योंकि गुजरात सरकार ने करीब 1100 जितनी जो गर्भवती महिलाएं थी, प्रेग्नेंट फीमेल्स, उनको रेस्क्यू किया था। अब उसमें से करीब 700 जितनी जो महिलाएं हैं उन्होंने बच्चों को जन्म दिया है इन दो दिनों के भीतर जब साइक्लोन गुजरात के साथ टकराया। उसमें से एक महिला के साथ उन्होंने बातचीत भी की है, जो अस्पताल है वहां पे जो महिला है उनके साथ उन्होंने बातचीत की है, जो वृद्ध वहां पर एडमिटेड है उनके साथ भी उन्होंने बातचीत की है, साथ ही किसानों के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। किसानों को कितना नुकसान हुआ है, किस तरीके से अब आगे इसको लेकर वो बातचीत करेंगे, क्या किसानों को कितना इसमें जो नुकसान है उसका मुआवजा मिलेगा, ये सारी जो बातचीत है उसके वो भी वहां पे हो रही है। तो फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह मांडवी पहुंचे हुए हैं, उसके बाद पूरा एरियल सर्वे किया जाएगा जो प्रभावित क्षेत्र है। उसके बाद 4 बजे के आसपास उनका एक डिजिटल मीटिंग होगा जिसमें जो प्रभावित क्षेत्र है उसके जितने भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यही भुज से गृहमंत्री अमित शाह जुड़ेंगे। तो एक पूरा शाम तक का एक पूरा मीटिंग का दौर चलेगा और किस तरीके से यहाँ पे जल्द से जल्द रिस्टोरेशन की प्रक्रिया करनी है वो भी एक पूरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी के साथ की जाएगी, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं अभी भी जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हालांकि हाईवेज जो है वो सारे हाईवे को एक बार फिर शुरू करवा दिया गया है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को रिस्टोर करना, जो लोग इसमें प्रभावित हुए जिनके घर टूट गए हैं तो उनको किस तरीके से वापिस उस घर में भेजना, उनके जो घर है वो किस तरीके से सरकार उसमें क्या मदद कर सकती है, ये सारी चीजों का ब्यौरा जो है वो लिया जाएगा। स्नेहा, गोपी गेटिंग आस ऑल ऑफ दोज डिटेल्स। गोपी, इस समय डेविस्टेशन के बारे में बताया आपने, मेंशन किया कि इनफैक्ट गोपी वॉज टेलिंग आस अबाउट द प्रेग्नेंट वुमन who has given birth. There were two, in fact, in this region, and these are visuals that we are putting out for our viewers of the woman who's delivered during the last 2 days or so. Given the devastation that has been caused by cyclone Biparjoy, it has been a very difficult situation for many people living in the worst affected areas. Gopi, if you could give us an idea about the extent of the devastation. All right, we'll continue to track that story very closely with my colleagues Gopi Manyar and also Brijesh Doshi, getting us up to speed with all developments in the state of Gujarat. These are pictures, in fact, of Home Minister Amit Shah visiting the worst affected areas and taking stock of the situation.